हेलो मैम, मेरी एज 21 ईयर्स है। मुझे इओसिनोफिल 8% हो गया है। ज़ुकाम काफ़ी दिनों से रहता है, गले में खराश रहती है। जब तक दवा लेता हूँ सब कुछ अच्छा रहता है, दवा बंद करे तो फिर वैसे ही। क्या ये बिल्कुल ठीक हो पाएगा? क्या कोई दवाई बताओ। देखिए कृपा शंकर जी, आपके रिपोर्ट्स मुझे देखने होंगे। यस, इओसिनोफिल काउंट अगर बढ़ जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया। कई बार इस तरह का कंडीशन होता है, वो जनरली अगर किसी को कोई वर्म इन्फेस्टेशन होता है बहुत टाइम से, या किसी भी तरह के वर्म्स के, स्पेशली एस्कैरिस या इसी तरह के वर्म्स के एग्स अगर बॉडी में होते हैं, तो इस तरह से इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। तो अगर इओसिनोफिल काउंट आपका इतना ज़्यादा है, तो जनरली हम लोग डाई इथल कार्बामाजीन की टैबलेट देते हैं 10 मिलीग्राम, दिन में 3 बार देते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट 15 डेज से लेके 1 मंथ का कोर्स करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टेरॉयड भी करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 4 या 5 दिन के लिए स्टेरॉयड का कोर्स करते हैं, जिससे इओसिनोफिल्स जो है उसका काउंट जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। अब ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, ये जनरली उन पेशेंट्स में दिया जाता है जिनको एंटी हिस्टामिन देने के बाद कोई फायदा नहीं होता, या एंटी हिस्टामिन जैसे कि मोंटिल्यूकास्ट और किसी भी तरह के सेट्रिजीन, लिवोसेट्रिजीन, फेक्सोफेनाडीन, ये सब देते हैं लेकिन पेशेंट को बिल्कुल भी आराम नहीं होता, तब हम लोग ये ट्रीटमेंट यूज करते हैं जिससे पेशेंट को कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। तो आपको कौन सी दवाई सूट होगी उसके लिए आपके रिपोर्ट्स मुझे देखने होंगे। इस तरह से डायरेक्टली मैं आपको दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। ओके